मैडम फाटिया मैम हूँ वेट वेट तमन जी वेट तमन जी सामने इससे पहले मैंने कभी भी कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए परफॉर्म नहीं किया एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर ऑन अ स्टेज यू नो देयर इज अ सर्टेन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और नर्वसनेस बट आई थिंक एक स्टेडियम में परफॉर्म करना उसका पूरा फीलिंग ही कुछ और है एंड जो ऑडियंस की पूरी एनर्जी होती है I think that will be something really amazing and for me to experience as a performer. And I'm excited because IPL se better koi sports event ho nahi sakta because we are all crazy about cricket. And pehla opening night hai, toh opening night mein bhi we'll be just waiting to watch the matches. And yeah, I mean CSK is performing after 2 years. So main kafi excited hoon and And of course, I think I am one of those people who belongs to like, for me, the Mumbai team, the Hyderabad team, the Chennai team. They're all my teams only, I feel like, because I belong to like all these cities. So, and this time, my performance, which is going to be in four languages, is going to be a song. I have a Kannada song, I have a Telugu song, I have a Tamil song, and a Hindi song. So yeah, I mean, I guess it goes out to pretty much the whole of India. Oh, wow. And कौन सी फेवरेट टीम होती है आपकी जब आईपीएल चालू होता है तो अगर हम पूछें मेरी हालत यही होती है कि आई डोंट नो व्हिच वन टू चूज फ्रॉम बट ऑफ कोर्स सीएसके हैज धोनी एंड ह्यूज फैंस सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग देम प्ले एंड कितने एक्साइटेड हैं कि अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं हमने आई नो रिहर्सल भी देखी है हां जी तो कितने एक्साइटेड हैं आप वेरी एक्साइटेड क्राउड के सामने इतने सारे वेरी एक्साइटेड वेरी नर्वस क्योंकि जैसे कि मैंने कहा स्टेज अलग फीलिंग होता है लेकिन एक स्टेडियम का फीलिंग ही अलग होता है एंड कल मुझे थोड़ी सी छोटी सी झलक मिली जब मैं रिहर्सल कर रही थी सो या आई मीन वी आर रिहर्सिंग एज मच एज पॉसिबल टू गिव एन अमेजिंग स्मैशिंग परफॉर्मेंस ओके और किस तरह की परफॉर्मेंस होने वाली है किस तरीके जैसे जिस तरीके का मतलब चार तरीके की लैंग्वेज में गाने होने वाले हैं तो क्या-क्या तैयारी हो गई है और कितना और बाकी है वेल रिहर्सल ऐसा एक चीज़ होता है कि आप जब तक करते रहो आप यू वॉन्ट टू डू मोर एंड मोर बिकॉज you know there's no point at which you can feel like you've done it all and now you know you're comfortable I'm also looking forward to all the other performers because I'm a huge fan of Ritik and that he's also performing and Jacqueline is performing and Barun is performing so I think all these performances I'm looking forward to seeing them as well and yeah I'm wishing them all the very best to you know have an amazing performance and amazing opening night इसके अलावा कुछ फिल्में भी आ रही है आपकी हम यहाँ इंस्टाग्राम पे देखा था आप एक्टिवा चलाकर जा रही हैं जी मनी फिल्म क्या प्रमाण कुछ सो आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ सो माय नेक्स्ट फिल्म इज अ तमिल फिल्म कॉल्ड कन्नई कलेमाने व्हिच इज व्हाट आई एम आई जस्ट फिनिश शूटिंग फॉर एंड नान उवे व्हिच इज अ तेलुगु फिल्म व्हिच इज अगेन समथिंग आई जस्ट फिनिश शूटिंग फॉर एंड आई एम आल्सो वर्किंग ऑन क्वीन सो द रीमेक ऑफ इट इन तेलुगु सो सो या दीस फिल्म्स आर गोइंग ऑन एंड दे आर माई नेक्स्ट रिलीजेस and yeah I'm looking forward to people watching them and actually mera ek ye ho gaya ki main har film mein ek scooty chala rahi hu so actually this mein I think bahut memes bane hain ki main har film sign karne ke pehle wo to ek scooty ka
शॉर्ट रखना चाहिए. सो सो आई थिंक ऑल माई फिल्म्स फॉर सम रीजन आई एम राइडिंग अ स्कूटी इन इट. सो सो आई थिंक दैट्स प्रोबेबली जो आपने फोटो देखा था वो स्कूटी चलाते हुए देखा होगा मेरा. होनी चाहिए. आई मीन अगर हो अगर ये सारी तीनों फिल्में हिट हो गई तो फिर मैं हर फिल्म में स्कूटी चलानी पड़ेगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. Thank you so much.